या जल्दी आ, ये देख बच्चे बोल रहे हैं, जल्दी आओ। आओ बोतल ना तोड़, बोतल ना तोड़ बच्चे। चलो 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 आप लोगों को भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो यार, मतलब फुल दिल से खुशी है भाई। सो आज पहला दिन है और अभी बजे छह साढ़े छह बजे सुबह सुबह के। इस टाइम हूँ, एक ग्राउंड है हमारे फार्म के पीछे, यू कैन सी। सो यहाँ पे हमारी कोनी मैडम आई हुई है। कोनी सुसु तो कर लिया, बार बार पोटी नहीं कर रही है मेरी प्यारी बच्ची। आज के व्लॉग में ना मैं मेरा फर्स्ट डे दिखाऊंगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। पहले दिन पहला एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। 5 बजे उठ के मैं अपना फ्रेश हुआ, कोनी को मैंने बाहर नहीं निकाला था, मतलब पार्क में अपने फार्म के, क्योंकि मुझे पता ही है वहाँ सुसु पोटी कर देगी। सो मैंने इसको अंदर ही रखा, ये मेरे साथ सोती है बाय द वे, मुझे इस पे भरोसा है कि ये मुझे सेफ रख सकती है। तो ये खुली रहती है भाई, जो भी आसपास पेडोस्टी फार्म का सोच रहे हो, कोनी कौन छोटा भाई जिंदा भी अगर अंदर आ गया तो कोई, और वैसे मेरे साथ मिलोगे तो इससे प्यारी बच्ची कोई नहीं हो सकती। यही पसंद है मुझे रॉटवाइलर्स में, गार्ड के गार्ड और सोशल डॉग मतलब कंपेनियन के कंपेनियन डॉग्स। तो सो अब मैं तंग होया हूँ, आधा घंटा हो गया इसे पोटी नहीं करी, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पे बाहर हमारा पहला केज है जो कि आप लोग देख चुके शायद, और या फिर इससे पहले मैंने वीडियो एक डाली होगी जिसमें आपको फार्म दिखाया होगा। सो ये उसके बाद ही डलेगी। वीडियो में तो 2-3 चीजें और ऐड है, जैसे कि बैनर लगे होंगे और गेट पे एक और सुंदर चीज लगी होगी, जो कि आप इससे पहले वीडियो देख लो, नहीं तो इससे नेक्स्ट में देख लेना। प्यारी बच्ची, ये पार्क बनाने का एक ही रीजन था कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे और हमारे डॉग्स खेले, इनके पैर परफेक्ट रहे, इससे बढ़िया जगह इनके लिए हो ही ना। सो आप देख सकते हो, और ये अभी खुशी बोल रही है मुझे कि आजा भाई आजा। सो अब खुशी की बारी है घूमने की, सो मैं उसको निकालता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बार व्लॉग के बीच में रोका, उसका एक रीजन था बहुत बड़ा। जैसे मैंने इसे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको थोर के बेबीज दिखाए थे और उनको घर पे अपने लेके आए थे, मैंने यूँ कहा था कि जिसको भी लेने हैं पपीज, सो आप पेडोवर्सिटी के नंबर पर कॉल कर सकते हो। सो आप लोगों ने इतने कॉल करे, हद से ज़्यादा कॉल करे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो भाई, हम ना हमारे पास जो पपीज अवेलेबल है ना पेडोवर्सिटी पे, सिर्फ हम वो ही दे सकते हैं। हम जैसे आप में से कईयों ने कहा कि गोल्डन रिवर दे दो या फिर जर्मन शेफर्ड दे दो, भैया कहीं से भी दुआ दो। देखो भाई, सीधी सी बात, आप भाईचारे में बात करते हैं, हम नहीं लेके किसी से देते आपको पपीज, किसी से भी नहीं लेके देंगे, जो हमारे पास होंगे वो ही आपको मिल सकते हैं। और पपीज कभी भी ऑन टाइम होते नहीं है, कभी भी नहीं होंगे, आप किसी से भी पूछ लेना। अगर कोई ढंग का बंदा है जिनके पास डॉग्स वगैरह हैं, वो उनके पास जब भी आप फ़ोन करोगे ना, कभी भी अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि भाई पपीज़ है, कोई मशीन थोड़ी है कि रोज़ प्रोडक्ट है, कोई मशीन में डाल दो निकाल दो, है ना। सो हाँ, ये अच्छी बात है कि इस टाइम अवेलेबल है, सो आप ले सकते हो। और अभी 3 या 4 की रह रही है बस बुकिंग, मतलब बस पपीज़ रह रहे हैं। सो आपको वो बुकिंग करानी तो आप जल्दी जल्दी करा सकते हो पेडोवर्सिटी के नंबर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और इससे पहले भी पेडोवर्सिटी का बैनर आपको रिफ्लेक्ट होया होगा और इस वीडियो के बाद में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो एंजॉय द व्लॉग। चलो चलो, ठीक है, ये देखो, ये हमारे ये टॉप के बंदे, ये है हमारे हमारे फार्म की जान खुशी, और ये हमारे दो प्यारे प्यारे, ओए नहीं खुशी ऐसे नहीं, तू बड़ी बहन है, तू उनको समझा उन्हें, तू तो मार रही खुशी, क्या कर रही है तू, चल तू खेल ले अपना, चल चल खेल ले, चल घूम ले, तुम भी खेल लो। ए मेरे बच्चे हो, आज अरे आ जाओ, तू भी आ जा, नहीं तू भी आ जा। सो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये खुशी और ये तीनों साथ में रहते हैं, मैंने खुशी को जिम्मेवारी दी हुई है इनकी। हाँ? ये देखो, ओए खुशी खुशी पिटेगी, खेल ले तू, हम इनको कर रही है ऐसे। हाँ मैं बच्चों, अभी तुम्हें खाना दूंगा मैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कैसा माहौल है यहाँ पे, देख तू इधर आ, इसको मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि ये ना देख लो आप लोगों के आगे है, ये क्या कर रही है, तो घूम रहा है वहाँ एक्सप्लोर कर। अरे ये देखो, ये देखना खुशी,
देख लो, देख कान पकड़ दी, उसका कान पकड़ दी। पौधा ना तोड़ बच्चे। भाई पत देख बत, ये देखो ये यूं है, इनका ना इनको बाहर छोड़ते हैं ना तो इनका पूरा ध्यान देना पड़ता है। और खुशी को मैंने वो देखो वो ये बांध दिया इसको, क्योंकि एक बार ये घूम ले ये छोटे बच्चे, फिर ये घूमेंगे, क्योंकि ये नहीं मानती किसी की भी बात। बैठी रहे यहाँ पे दो देर, इधर अब वहां जाओगे फिर पिटोगे, इधर आओ खेल लो, तुम खेल लो सुसुपोटी कर लो। देख फिर से जाना उधर ही है। ओए देख पौधे सारे तोड़ दिए इन्होंने। मैंने इन सबको ना ट्रीट्स दिए ताकि ये बैठ के खा ले शांति से, उसको भी दी हुई है देखो सारे। तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को संभालना आसान बात नहीं है, बस संभालेंगे आपा, क्योंकि हमें प्यार प्यार गोल्डन रिट्रीवर बच्चे चाहिए भाई। कितने सुंदर होते हैं यार ये, कमेंट सेक्शन में बताना कितने सुंदर होते हैं। और ये देखो कोनी, इतनी अच्छी बच्ची ना मैं जिंदगी में नहीं देखी, इतनी शांत। और ये देख सकते हो कितना बड़ा केज होगा, कि कोनी कितनी बड़ी होती है, डॉग रोटवाइलर उसके बाद भी कितनी स्पेस रह जाती है। सो दोस्तों कोई आया है, देखते कौन आया है। ये देखो भाई थोड़ी आज थोड़ी आ गया, आ गया आ गया, अरे वाह वाह, और आ गया थोड़ी सी, आ गया आ गया। ये देखो भाई, ये देखो हमारा थोड़ी थोड़ी, ये ले, ये यहाँ पे ही रहेगा मेरे पास पूरा दिन यहाँ रहेगा। खुशी नो क्योंकि खुशी काम उसकी, आजा आजा है मेरी बेटी, थोड़ी यहीं रहेगा। 2 मिनट्स के लिए मैंने थोर को इधर कर दिया है। ये देखो दोस्तों अपने छोटे बच्चे जो है गोल्डन रिट्रीवर, उनके लिए पनीर बन गया पूरा। अरे पापा शेफ पापा ने बनाया है, वैसे कल रात को मैंने बनाया था बट आज पापा ने बनाया। और आज पापा आज इस व्लॉग में ना मैं पूरा दिन दिखाऊंगा फार्म पे कैसा होता है पूरा दिन दिखाएंगे फार्म पे। सो दोस्तों हमारे दोनों छोटी छोटी इना मीना का खाना ये रहा, ये खा रही हैं। देखो जो इनको ना वहाँ पे ये वो रोटी और चिकन देते थे जहाँ से मिले गया है, सो मैं इसका फीड चेंज कर रहा हूँ, इसको पनीर थोड़े से रोटी और इसको स्टार्टर मिल रहा है रॉयल कैनिन का। सो एकदम से पूरा फीड चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में करना चाहिए। सो वो ये रोटी भी है, इसमें पनीर मैं साथ में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि गिल्ली हो जाए, खा ले बेटी खा ले। और ये रॉयल कैनिन, सो इनको अभी इनकी ग्रूमिंग भी करनी है मुझे। अभी ये खाना खा के एक बार सो जाएंगे, उसके बाद इन सारों को जो अपने अपने बड़े डॉग्स है सबको आपा को खाना देना है, कोनी को थोर को खुशी को, इनको खाना दूंगा मैं 11 से 12 बजे के बीच में। इनको मिलेगा चिकन राइस और थोड़ा सा फीड ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल करके, तो मजा आ सकता है इनको, इनको बस और पूरा भर भर के मिलेगा इन्हें। अभी अपने जो छोटे गोल्डन रिवर के बच्चे हैं इनको मैंने सिर्फ खुशी से मिलाया है, ना कोनी से मिलाया ना थोर से मिलाया, वो डाल दूंगा फिर थोर से और कोनी से इनसे भी कहोगे, और फिर एक बार सबको खुला छोड़ेंगे वो भी बना दूंगा मैं। तो कमेंट सेक्शन में आप आइडियाज देते जाओ, मैं सारी चीजें पूरी करूंगा आपकी जो जो आप कहोगे। सो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और अब मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ, थोड़ी देर में एक बार थोड़ी सी मूवी देख रहा हूँ जेम्स बॉन्ड। और थोर ये बैठा, तो दोस्तों थोर को वापस मैंने अंदर कर दिया है क्योंकि मैं अब खाना बना रहा हूँ इनका। हाँ मैं खाना बना रहा हूँ, मैं बैठू खाना बना रहा हूँ। मैंने इनका चिकन और चावल लगा दिए बनने के लिए। सो देखो चिकन बॉयल हो रहा है, ये चावल है इसके अभी, और ये जो कंटेनर है ना ये इनके लिए लेके आया हूँ मैं। जब अभी हॉस्टल फैसिलिटी शुरू हो ही नहीं है ना, तो अभी इतने डॉग्स नहीं है कि इतने बड़े में बने। सो जब हॉस्टल फैसिलिटी शुरू हो जाएगी तो बड़े एकदम से ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, तो उसमें बन जाएगा। इनको मैंने ना इनको खाने की खुशबू आ गई है, तभी बोल रहे नहीं, इतनी देर से सो रहे थे ये। सो कोई दिक्कत नहीं है इनको, मैं खाना बना दूँ फिर इनको बाहर निकाल के सबको खाना खिलाऊंगा वन बाय वन। सो दोस्तों ये इनका खाना बन गया है, ये बड़े वाला है थोर या कोनी का, मतलब ये दोनों थोर और कोनी के हैं ठीक है। इसमें चिकन राइस और इनका फीड है जो कि आप देख सकते हो, ये मैं मिक्स कर देता हूँ, ये भी सेम है। और ये वाला छोटे वाला इन तीनों का, क्योंकि ये इतना ही खाते हैं सारे मिलके, ये इसलिए बनाया हुआ है। स्टे, हेलो हेलो हेलो, स्पीक ईट। सो दोस्तों अब कोनी खाना खा रही है, ये खा रही, और इधर हमारे दोनों छोटे लाल खा रहे हैं। ये देखो देखो दोस्तों इनका प्लेइंग टाइम हो गया, ये मजा है इसका, इस जगह का है ना मजा। ये देखो ओए गमले ना तोड़ो, ये देखो
चलो 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 दूर दूर तक भागो, रेस करो। ये ना करा करो तुम यार, देखो तो थोर इसको ना बहुत जेंटली वो करता है ट्रीट। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया और ये टाइम है सबके सोने का, क्योंकि सबने खाना खा लिया है और मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि मैं अब घर जाऊंगा। सो वहाँ नहाऊंगा, खाऊंगा खाना और थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर रात को आऊंगा। अरे ये मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है मेरे साथ, थोरी, इसको नींद नहीं आ रही थी तो ये और मैं साथ में सो रहे हैं। ये देखो इसका थोरू का पहला दिन है सो इसलिए मेरे साथ सो रहा है। किसका वेट कर रहे हो? ये हमारा रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज सोचा तो है, बाकी देखो ये इलाज रामबाण रहेगा कि नहीं रहेगा वो बात की बात है। पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे हैं, इनोवेशन पे विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मतलब डॉग फार्म में या अपने फार्म पे एनिमल फार्म में कि वहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा होती है ना पापा जी, और हमने उसको काउंटर करने के लिए कोई नई चीज़ ढूंढी है। सो वो नई चीज़ वो देखो आने लग रही, देखो आने लग रही। सो वही सो ये इलाज है, ये ट्रे और ये ट्रे आएंगे हमारे जो केजीज है उनके अंडर। सो जो भी सुसु पोटी गिरेगी वो ट्रे में कलेक्ट हो जाएगी, वाटर प्रूफ है ये, और वो सुबह सुबह निकाल के सारा अपना वेस्ट डिस्पोज हो जाएगा जहाँ भी हम अपने एक पिट बना रहे हैं। सो हमने अभी तो बनाया हुआ है, खाद बना देंगे उसे। सो ये आइडिया लगाया क्योंकि मेन बात ये होती है कि जो सुसु और पोटी हो जाती है और उसको साफ़ करने के लिए उस पर पानी डाल दिया जाता है ना, तो वो पोटी और सुसु मिक्स हो जाता है यार, और उससे ना वो कहीं या ना कहीं वो फर्श पे कहीं किसी कोने में रुक जाता है, रह जाता है, तो उससे स्मेल होती है। सो इन सब का इलाज ये निकाला है, देखो काम करेगा या नहीं करेगा। बाकी ये बहुत महंगी पड़ी है भाई ये ट्रे, क्योंकि ये टंकी नहीं होती जिसमें कणक डलती है उसकी बनवाई है। सो ये मतलब ये कोई नॉर्मल स्टफ़ नहीं है, तो ये एक्सपेंसिव स्टफ बना है, पर देखते हैं अगर ये काम कर गया तो वैल्यू फॉर मनी है। थोर हमारा फेमस है भाई, पूरा हमसे ज्यादा थोर फेमस है। ये देखो ट्रे आ गई है, ये अभी इस वाले केज में नीचे लगा के दिखाऊंगा आपको कि कैसे काम करती है। पा, हाँ? चलो अपने ऑडियंस को ना फैमिली को एक बार इस वाले केज के नीचे लगा के दिखा देते हैं कि कैसे काम करेगी। हाँ। क्योंकि अंदर तो भाई इतनी लाइट प्रॉपर नहीं है, लाइट लुइट सब है बट कैमरे के लिए प्रॉपर नहीं जितनी डे लाइट में दिखता है। सो ये बाहर वाले केज के नीचे लगा के दिखाते हैं। कौन से लगाओगे, सारे सेम साइज की है क्या? क्योंकि ये वाले जो केज है ना ये 6x4 feet के है। सो ये वाले केजेस हमारे 3 है और 2 केजेस है जो 6x5 feet के है और एक बड़ा केज है जो 9 feet का है। सो अलग अलग करवाए हैं, ये 9 feet वाले में तो ये आएंगे 2 बड़ी बड़ी ट्रे। सो काम पक्का काम कराएंगे पक्के। सो ये ऑफिशियली हमारे चैनल हमारे फार्म हाउस पे ही हो ये चीज, अगर कहीं और कॉपी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना ये कहाँ से आइडिया है। ठीक है, थोरी की फैन फॉलोइंग पूरी है, सेल्फीज के साथ ली गई है थोरी, अपना बैनर भी तो आ गया, बैनर भी आ गया अपना। सो अब ये सेट करके ना जो आपने इस वीडियो से पहले हमारी फार्म की वीडियो देखी है जो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे बैनर भी रिलीज हो रहा है, सो वो अब शूट करी गई है। तो दोस्तों ये देखो ये ट्रे चली गई ऐसे, तो अब ऊपर से कोई सुसु पोटी कुछ भी होगा। किसका पापा? सुसु पोटी बीच में कुछ आ जाए। हाँ मतलब कि अब आप लोग कहोगे कि भाई बीच में गिर गया तो ऐसे, तो उसका भी इलाज कर दिया बट ये ट्रे का ये काम है, ये ऐसे बाहर आ जाएगी निकल के सारी वॉश हो जाएगी। ये क्लिप बनवाई है इसके लिए, दो है ऑप्शन, एक तो जैसे मान लो ये इसको मैं ये उंगली लगाऊंगा तो ये चिपक जाएगी नीचे, जैसे ये चिपक। वाह भाई वाह, ये लो परफेक्ट, अब तो कुछ बीच में अब नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी एक ऑप्शन और है, इसके ऊपर लंबा पॉलिथीन ऐसे किया और ऊपर वो लगा दी। हाँ। फिर बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं, जो नीचे के हो गया सारे वाटरप्रूफ हो गया, वाटरप्रूफ हो गया, इससे भी काफी हो, ये काफी है, इतना जरूरी को ये भी कौन से निशाना लगा के बिल्कुल बीच, क्योंकि पापा बीच में भी तो ये सपोर्ट है, ये देखो आपको दिखाता हूँ, हाथ हटाइए एक मिनट, सही है ये देखो बीच में ये भी तो है ना, बिल्कुल। सो ये वैसे भी डाइवर्ट हो गए नीचे गिरते हैं, सो ये परफेक्ट काम करा या नहीं करा हमारी इनोवेशन के लिए यार, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, है ना पापा जी, कैसे तकड़ा काम करवा दिया देख लो भाई आप लोग। यहाँ से आगे खेच मतलब ऐसे स्लाइड कर लो, ये देखो नीचे आ गई ट्रे, ये हमारी मेन आदमी
कोनी मैडम बैठी है यहाँ पे, सो यहाँ पे सारे के जिसके नीचे आ गए ऐसे बाहर निकल गए, बीच में इतनी स्पेस जब भी छुड़वाई है कि सारी आराम से निकल सके, ठीक है। और ये हमारे छोटे बच्चे ये बैठे और शैतान है ये, मतलब शैतान इसलिए के बच्चे हैं। और ये आप लोग कहोगे कि भाई इधर मैट और इधर ये क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये छोटे बच्चे हैं ना और खुशी इसके साथ रहती है, इनके साथ उन्होंने खुशी ने सिखा दिया ना इसको, ये देखो ये ना मैट यहाँ का मैट खा गया, वो काट काट के सिखा दिया कि ऐसे सिखाते हैं। सो फिर मैंने ही एक्सपेरिमेंट करा, मम्मी ने बोला था कि ये दरी भी छा दो यहाँ पे, ये इनके लिए परफेक्ट है। और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, दरी पे सुसुपोटी कुछ नहीं करते, ये इस साइड आके जाली है ना यहाँ पे आके कर देते हैं और यहाँ पे सुसुपोटी कर देते हैं, यहाँ से हम उठा देते हैं। सो इससे पहले हमने क्या रखा हुआ था यहाँ पे, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे पहले ही योगा मैट रखे हुए थे वो दोनों, अब वो निकाल दिए, वो यहाँ ही थे, इनमें से किसी में नहीं थे, क्योंकि ये तो समझदार है, ये नहीं करते, ये छोटे बच्चे हैं ना, इनकी तो मैं गलती कह ही नहीं रहा, ये छोटे बच्चे हैं तो इनकी कर देते हैं ये। और ये आधे से ज्यादा स्पेस में आराम से बैठते हैं, घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ ये इसलिए होते हैं कि मतलब इनको खाना मिल के ये आराम से एक नींद ले लें, क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है बिल्कुल बढ़िया स्पीड में, तो ये परफेक्ट चीज होगी ये हमारी। और ये यूं नहीं रहेगा, ये यहाँ पे सारी चेंज होगी, यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया, इनके लिए ट्रे आएगी जो सही रहेगी, है ना पापा जी। हाँ। वो ये निकाल नहीं पाएंगे, बात ये है उनको ये निकाल नहीं पाएंगे, और ये थोर बार बार कह रहे मुझे आने दो आने दो आने दो, और ये आके कुछ नहीं करता, ये खुशी को छेड़ता है और फिर ये दोनों शरारते करते हैं। सो दोस्तों यार फोन में तो टेढ़ा सा लग रहा है, फोन में टेढ़ा सा लग रहा है भाई, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो ये बैनर है अपना। तो दोस्तों अब बैनर वगैरह वो सब चीज सेट करने के बाद अब जा रहे हैं घर पे, मैं और थोरी, वो रहा थोरी पीछे रुसा हुआ बैठा ऐसा ऐसा बच्चा है, घर जाके मम्मी को शिकायत लगाएगा कि मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे बांध के रखा है, ऐसी सारी चीजें बता दे, देख लेना। सो दोस्तों आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, जैसे कि आपने देखा कि मैं घर चला गया था, उसके बाद भाई मैंने व्लॉग नहीं करा यार, कोई नहीं नेक्स्ट व्लॉग निकालेंगे एक और, क्योंकि अब तो हमारे पपीज भी आ गए और वहाँ पे सारों को खोलेंगे, खोल खोल के दिखाएंगे, और आपको ट्रेज वगैरह भी बता दें कि कैसे हमने लगाई है। अभी मैं थोर को घुमाने आया हुआ हूँ सुबह बाहर अपने घर पर, तो फिर वह बच्चे भी उतनी हेल्दी होंगे, आप अपने डॉग्स को एक्सरसाइज कराओ, खुद भी हेल्दी होंगे, मैं थोर के साथ रेस मार रहा हूँ। सो दोस्तों मिलता हूँ आपको रुकने के बाद, अच्छी बात है जो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, मिलते हैं एक और धमाकेदार व्लॉग में। हाँ नेक्स्ट वीडियो का मेरे को टाइटल बता देना, किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। तो